महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं प्रिया खंडेलवाल प्रिय संघ पूजन चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। बेलपत्र पहले चढ़ाएं या जल पहले चढ़ाएं, कई बार हमारे सोचने में ये चीज आती है। तो गुरुदेव जी ने बताया यदि आप बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाते हैं उसका अलग आपको फायदा है, और यदि आप जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाते हैं उसका आपको अलग फायदा है। तो दोनों ही चीजों के बारे में आज मैं बात करूंगी। तो सबसे उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले यदि आप बेलपत्र चढ़ाते हैं और फिर उसका जल, फिर शिवलिंग पर जल का अभिषेक करते हैं तो आपको रोग से मुक्ति होगी। आप कोई बड़े रोग से ग्रस्त हो चुके हैं और वो रोग आपका जा ही नहीं रहा है, छूट ही नहीं रहा है, तो आप उस रोग को रोकने के लिए, थामने के लिए आपको क्या करना है, आपको शिवलिंग पर पहले बेलपत्र चढ़ाना है, उसके बाद आपको जल का अभिषेक करना है। ऐसा करने से महादेव हमारे रोगों को वहीं पर रोक देते हैं, उसको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। और यदि आप किसी कार्य को संपन्न करने के लिए, आनंदमय होने के लिए, सिर्फ भक्ति करने के लिए आप शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं तो आप पहले जल का अभिषेक करें, तब उसके बाद आप बेलपत्र को चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके सभी कार्य संपन्न होंगे और आप आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे। तो मेरी ऐसी मनोकामना है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। और मैं आज आपको बताऊंगी कि बेलपत्र का सही तरीका क्या है शिवलिंग पर चढ़ाने का। तो ये बेलपत्र है, इस बेलपत्र में ये ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरुदेव जी ने बताया कि ये जो बीच वाली डंडी है, दोनों डंडियों के बीच में, इसमें 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, और जो ये नीचे वाली डंडी है इसमें माँ पार्वती का सारी शक्तियां वास करती हैं। तो आपको ये जो चिकना वाला भाग है उसमें, उससे बेलपत्र को शिवलिंग पर ऐसे चढ़ाना है। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्ते।